दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे डेटिंग स्कैम्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि ऑनलाइन हो रहे हैं और उन स्कैम्स में आप जैसे सीधे लड़के और लड़कियों को फंसाया जा रहा है। ये स्कैम्स आपको प्यार में फंसा कर किए जाते हैं, तो सबसे पहले तो आपका दिल तोड़ दिया जाता है और दूसरा आपकी जेब से पैसा लूट लिया जाता है। और तो और ये स्कैम्स इतनी सावधानी से किए जाते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं वो लोग भी इन स्कैम्स के चक्कर में फंस जाते हैं। और ये स्कैम्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको इन स्कैम्स के बारे में बताऊँगा और दूसरा मैं आपको ये भी बताऊँगा कि अगर आपको कोई इस तरीके के स्कैम्स में फंसाता है तो आपको कैसे पता चलेगा और आप इन स्कैमर्स को कैसे पहचान सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिएगा और हो सके तो अपने WhatsApp स्टेटस में भी लगा दीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स और आपके रिलेटिव्स भी इस तरीके के स्कैम में ना फंसें। सो दोस्तों जो पहला स्कैम है, इस स्कैम का कोई नाम तो नहीं है तो हम नाम रख लेते हैं फॉरेन स्कैम, क्योंकि इस केस में जनरली अगर आप लड़के हैं तो फिर आपको कोई फॉरेनर लड़की मैसेज करेगी और अगर आप लड़की हैं तो फिर फॉरेनर लड़का मैसेज करेगा जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा होगा या होगी और आपको ये भी लगेगा उनकी प्रोफाइल देख कर कि वो बहुत ज़्यादा रिच हैं। तो सबसे पहले तो आपको लगेगा कि जिसने आपको मैसेज किया है वो दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा है तो आप पहले ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और दूसरा आपको दिखाई देगा कि वो बहुत ज़्यादा अमीर इंसान है। और तो और आपको उनकी प्रोफाइल देखकर डाउट भी नहीं होगा क्योंकि वो प्रोफाइल बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली बनाई जाती हैं, आपको वो महंगी महंगी गाड़ियों के साथ घूमते हुए नज़र आएंगे और उनका लाइफस्टाइल भी बहुत ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा जिसकी वजह से आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब क्योंकि इतना अच्छा लड़का या लड़की जो कि हर जगह से बेस्ट नज़र आ रहा है वो आपको खुद मैसेज कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि आप उसे रिप्लाई देंगे। अब जब आप उसे रिप्लाई देंगे तो वो आपसे बातचीत शुरू करेंगे, आपकी भी बातें होंगी और धीरे धीरे आपकी काफ़ी सारी बातें होंगी। सबसे पहले वो अपनी बातों से आपका भरोसा जीतेंगे क्योंकि वो ये काम बहुत लंबे समय से कर रहे हैं तो वो ये काम करने में प्रोफेशनल हैं, वो ईजिली आपका भरोसा जीत लेंगे और 2-3 दिन के अंदर ही वो आपके बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे। आप उन पे भरोसा करने लगेंगे, आप उन्हें शायद अपना नंबर भी दे देंगे और आपकी रेगुलर बातें होनी शुरू हो जाएंगी। वो आपसे बहुत लंबी लंबी बातें करेंगे, खुद को बहुत अमीर दिखाएंगे, आप उनकी हर बात पे भरोसा करते रहेंगे और कुछ दिनों बाद जब आप उन पे पूरी तरीके से भरोसा करने लग जाएंगे तब एक दिन वो आपको अचानक से कॉल करेंगे और आपको कहेंगे कि मैं आपको सरप्राइज़ देने के लिए आपकी कंट्री आ गया था लेकिन मुझे एयरपोर्ट में कस्टम वालों ने पकड़ लिया है क्योंकि मेरे साथ बहुत सारा फॉरेन कैश है। मैं लाखों डॉलर का कैश लेकर आ रखा हूँ जो कि इंडियन करेंसी में 10 से 20 करोड़ रुपए के आसपास होता है। उसके बाद वो फॉरेनर इंसान आपकी बात किसी कस्टम अधिकारी से भी कराएगा जो कि आपसे हिंदी में बात करेगा और वो आपको बताएगा कि यस सर, ये अपने साथ इतना कैश लेकर आ रखे हैं और ये बात है। एक्चुअल में वो कोई कस्टम ऑफिसर नहीं होगा बल्कि उनका पार्टनर होगा और वो हर तरीके से आपको भरोसा दिलाने की कोशिश करेंगे कि वो व्यक्ति सही में एयरपोर्ट पर है और वो अपने साथ करोड़ों रुपए लेकर आ रखा है। इवन कई बार तो RBI के नाम से फेक SMS तक भेजे जाते हैं और कई बार तो आपसे आपकी ईमेल ID पूछकर आपको बिल्कुल प्रोफेशनल मेल भेजी जाती है जिनमें उन लाखों डॉलर के बारे में डिटेल्स दी जाती है। अभी तक जो वो स्कैमर्स कर रहे थे वो आपको भरोसा दिलाने के लिए और आपका ब्रेन वॉश करने के लिए कर रहे थे। जब आपका ब्रेन वॉश अच्छे से कर दिया जाएगा तब आपसे कहा जाएगा कि इन लाखों डॉलर्स को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए आपको 50,000 रुपये की या फिर 1,00,000 रुपये की कस्टम फीस देनी है। ये बात सुनकर आपके माइंड में वही बात आएगी जो उन्होंने प्रोग्राम कर रखी है और जो वो चाहते हैं। आपके मन में यही बात आएगी कि जब सामने से 7-8 करोड़ रुपए आ रहे हैं और सिर्फ 50,000 रुपए देने हैं तो कैसे ना कैसे करके दे देता हूँ, जब वो आएंगे तब तो अपने पैसे अपने आप को मिल ही जाएंगे और साथ में जो आ रहा है वो मेरा प्यार ही तो है। फिर भले ही वो पैसे आपके पास ना हो, आप कहीं से अरेंज करेंगे, उधार मांगेंगे, जैसे तैसे करके आप वो 50,000 रुपए उस अकाउंट में डलवा देंगे। अब जब आप वो 50,000 रुपए डलवा देंगे तब आपको दोबारा कस्टम ऑफिस से कॉल आएगा और आपको कहा जाएगा कि हमें पैसा मिल चुका है लेकिन आपको एक 30,000 रुपीज़ और डलवाने होंगे जो कि रिफंडेबल हैं, कल तक आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे और वो पैसे डलवाने के बाद ही हम इन पैसों को आगे प्रोसेस कर पाएंगे। अब ये सुनने के बाद आपका माइंड वही सोचेगा जो उन्होंने प्रोग्राम किया है। सबसे पहले आप सोचेंगे कि यार जब 50,000 रुपये दे दिए तो 30,000 रुपये और दे देता हूँ, और दूसरा आप ये सोचेंगे कि वैसे भी ये पैसा तो रिफंडेबल है ना, वापस आ जाएगा और आप वो पैसा भी उन्हें भिजवा देंगे। उसके बाद हो सकता है तीसरी बार फिर वो किसी बहाने से आपसे डिमांड करें और जितना पैसा वो आपसे लूट सकते हैं उतना पैसा वो आपसे पूरा लूटने की कोशिश करेंगे। जब आपसे पूरा पैसा लूट लिया जाएगा
तब वो सारे नंबर जहाँ जहाँ से आपको कॉल आ रहे थे वो सारे नंबर बंद हो जाएंगे और तब आपको पता चलेगा कि आपको लूट लिया गया है। ऐसे स्कैम्स बहुत सारे हो रहे हैं और बहुत सारे हो चुके हैं। ऐसे एक केस के बारे में मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था और ऐसे ही केस के बारे में मैंने कोर्ट में भी सुना है, जिसकी वजह से मुझे ये जानकारी हुई। अब जो सेकंड स्कैम है उसका नाम रख लेते हैं एमरजेंसी स्कैम। इस तरह के स्कैम में कोई लड़का या लड़की आपसे बातचीत शुरू करेगा, बहुत अच्छे से आपसे लंबे समय से बातें होंगी, आपको बिल्कुल प्यार में फंसा लिया जाएगा, 10-15 दिन के अंदर ही जानू सोना बाबू सब कुछ हो जाएगा, आप उस पर पूरा भरोसा करने लगेंगे और आप उसे अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड मानने लगेंगे। जब आपको उस पर पूरा भरोसा हो जाएगा तब वो अचानक से आपको एक दिन रोते रोते कॉल करेगी और आपको कहेगी कि मैं और मॉम बाहर गए थे और मेरी मॉम का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, डॉक्टर ने अभी 20,000 रुपये जमा कराने को कहा है लेकिन अकाउंट से पैसे निकल नहीं रहे हैं, या फिर मेरे पैसे एक दो दिन में आने वाले हैं, उसके बाद मैं आपको दे दूंगी और बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, प्लीज़ पैसे जमा करा दो वरना मैं मर जाऊंगी, अपनी मॉम से बहुत प्यार करतूंगी, बहुत लंबी लंबी बातें करेगी। साथ में आपको भरोसा दिलाने के लिए फोटोग्राफ भी भेज देगी अपनी मॉम की, जो कि एक्चुअल में उसकी मॉम की फोटो नहीं होगी, किसी भी पेशेंट की फोटो होगी जिसके मुंह में ऑक्सीजन मास्क लगा होगा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो उसकी मॉम है या नहीं। अब जनरली ऐसे केस में हर कोई मदद कर ही देता है और अगर आप उससे प्यार करते हो तब तो आप सोचते हैं कि ये तो मेरी जिम्मेदारी है करने की और आप कर ही देंगे, और अगर आपके पास नहीं भी होंगे और आप मना करेंगे तो वो आपसे रिश्ता तोड़ने की बात करेगी और आपको कहेगी कि जो मेरा अभी साथ नहीं दे सकता वो मेरा जिंदगी भर क्या साथ देगा। मतलब आपको इमोशनल ब्लैकमेल किया जाएगा और जैसे तैसे आपसे पैसे लूट लिए जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि भैया आप तो लूट गए। अब ये एक ऐसा केस है जो सच में उसके साथ हो भी सकता है, सही में आपकी कोई गर्लफ्रेंड बन सकती है रियल वाली और उसकी मॉम के साथ ऐसी घटना हो सकती है और घटना होगी तो वो आपको ही बोलेगी। अब आपको अगर वो बोलती है तो सबसे पहले आप उस हॉस्पिटल का नंबर निकालें और उस हॉस्पिटल से कन्फर्मेशन ले लें कि ऐसा कोई पेशेंट आपके वहाँ पर एडमिट है या नहीं। अगर हॉस्पिटल कन्फर्मेशन दे देता है कि ऐसा कोई पेशेंट वहाँ पर एडमिट है तब भी आप उसके अकाउंट में या किसी और के अकाउंट में पैसे जमा ना कराएं। सबसे पहले तो कोशिश करें कि खुद हॉस्पिटल में जाकर पैसे जमा कराएं, और अगर आप उस वक्त हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं तब भी हॉस्पिटल के ही अकाउंट में पैसे जमा कराएं, किसी भी बाहरी व्यक्ति या फिर उस लड़की के अकाउंट में पैसे जमा ना कराएं। इस तरीके से ही आप इस स्कैम से बच सकते हैं। अब दोस्तों मैंने आपको दो स्कैम बताए हैं, ऐसे हजारों स्कैम हैं, मैं ना तो सभी स्कैम के बारे में जानता हूँ और ना ही आपको सभी के बारे में जानकारी दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप किसी भी तरह के स्कैम से कैसे बच सकते हैं। सो दोस्तों अगर आप इन स्कैम से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि स्कैमर अपना टारगेट कैसे चूज करते हैं ताकि वो आपको टारगेट ही ना करें। तो जो स्कैमर होते हैं वो अपने टारगेट को चूज करने से पहले उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल को अच्छे से पढ़ते हैं। अगर उसकी प्रोफाइल में ये दिख रहा है कि वो बहुत अमीर है तो वो उसको टारगेट कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने महंगी गाड़ियों के साथ फोटोज डाली हैं, आपकी अमीरी आपकी प्रोफाइल में नजर आ रही है, तब वो आपको टारगेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरा, अगर आपकी प्रोफाइल से ये दिखता है कि आप दुखी हैं, परेशान हैं या फिर रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ है, तब भी वो आपको टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके के लोगों को टारगेट करना आसान होता है। तीसरा, वो लोग जो डेस्परेटली अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं, यानी कि वो लड़के जो गर्लफ्रेंड बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं और कोई भी लड़की मिल जाए उसको वो गर्लफ्रेंड बनाने के लिए तैयार हैं चाहे वो उसको जानते भी क्यों ना हो, या फिर ऐसे लोग जिनका डाइवोर्स हुआ है, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, ऐसे लोगों को भी उनको लगता है कि टारगेट करना आसान है तो ऐसे लोगों को भी वो टारगेट करते हैं। सो मेन पॉइंट है कि अपने बारे में ज़्यादा जानकारी सोशल मीडिया में शेयर ना करें, और अगर ऑनलाइन आपकी किसी से पहचान होती है तो उसको अपनी सारी डिटेल्स शुरुआत में ही ना बताएं, कम से कम इन्फॉर्मेशन उसे दें। अब सेकंड सिग्नल जिससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति स्कैमर है और आपको लूटना चाहता है, और वो सिग्नल ये है कि वो व्यक्ति ज़्यादातर केस में 15-20 दिन के अंदर ही आपसे दोस्ती करेगा, आपका ट्रस्ट जीतेगा और आपको लूटने की कोशिश करेगा। तो शुरुआत में तो किसी पर भी इतनी जल्दी भरोसा ना करें। अब थर्ड सिग्नल में आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए एक लड़की है जो कि ज़्यादा खूबसूरत नहीं दिखाई देती है और आज तक एक भी लड़के ने उसे लाइन नहीं मारी है, लेकिन अचानक से एक दिन रणबीर कपूर टाइप का लड़का उसको आगे लाइन मारता है, प्रपोज करता है और 10-15 दिन के अंदर ही बिल्कुल शादी करने को तैयार हो जाता है उससे। इट मीन्स कि आपके साथ कुछ एक्स्ट्रा अच्छा हो रहा है, आप फूल ढूंढ रहे थे और आपको गुलदस्ता मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये स्कैम हो सकता है, सावधान रहें। इन सभी सिग्नल्स के अलावा आपको अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है, तभी आप इन स्कैम से बच सकते हैं। अगर आपके साथ कोई स्कैम हो जाता है तो उसे जल्दी से जल्दी रिपोर्ट करें।
अगर आप जल्दी रिपोर्ट करते हैं तो साइबर पुलिस कई केस में उस व्यक्ति का बैंक अकाउंट फ्रीज कर देती है और आपका पैसा आपको वापस दिलाने में आपकी मदद कर सकती है। ये वीडियो मैंने आप लोगों को सिर्फ थोड़ा सा जागरूक करने के लिए बनाई थी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करना है। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।